सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस बिल का विरोध मुजफ्फरपुर में होना शुरू हो गया है। बता दें कि आज बुधवार को मुजफ्फरपुर में हजारों लोग सड़क पर उतरकर एनआरसी का विरोध किया। सड़क पर उतरे एक खास समुदाय के साथ विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शहर के इस्लामपुर बैंक रोड से मौन जुलूस निकाला, जो धर्मशाला चौक, तिलक मैदान रोड, सरैयागंज टावर चौक के रास्ते कंपनीबाग होते हुए जिला मुख्यालय पहुंचा, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने डीएम कार्यालय के मुख्य द्वार पर एनआरसी बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने संविधान बचाओ, कैब हटाओ का तख्ती हाथ में लेकर विरोध कर रहे थे। इस दौरान जुटे हजारों लोगों ने केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन बिल को वापस लेने की मांग किया। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ जो अंदर गए हैं डीएम साहब से मिलने के लिए, जो आपकी आवाज को बुलंद करेंगे और यहाँ से लेकर दिल्ली तक आपकी आवाज को पहुँचाएंगे। वक्त पूरे शहरों, जिला, गांव, देहात, मुजफ्फरपुर के आम जनता का जुलूस संविधान बचाओ तहरीक मुजफ्फरपुर के तहत, जिसमें तमाम कम्युनिटी के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत के ये चार सिपाही के तहत यहाँ पर पूरे शहरों, जिला मुजफ्फरपुर के गांव देहात के बुद्धिजीवियों, उलमा, मशायख, हुफाज, कुर्रा, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कारकुनान, ओहदेदारान, कौम व मिल्लत के दानिश्वरान और आम जवान, आम इंसान जो मरकजी हुकूमत के इस काले कानून कैब के खिलाफ हैं, जो बहुत आक्रोशित होकर इस वक्त डीएम महोदय मुजफ्फरपुर के मार्फत हम अपने सदर जमहूरिया यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मार्फत अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए कि कैब हटाओ देश बचाओ के तहत इस वक्त हमारे तमाम मुसलमानों ने और हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, दलित भाई, अति पिछड़े तमाम जातियों के लोग आ चुके हैं, जो इस वक्त हम लोग हिंदुस्तान के आईन में तरमीम की गई है, बन लगी आगे उसके खिलाफ है। हम लोग चाहते हैं कि यह बिल पास हुआ है उसको अलग करे और पूरे हिंदुस्तान वासियों को इससे बाखबर करके कह दे कि हमने इस बिल को हटा लिया और हम लोग शांति और सुरक्षा के साथ हम ये जुलूस निकल आए हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के साथ सब लोग पहुंचे हैं। आप देंगे मेमोरेंडम, देंगे कलेक्टर साहब को ताकि संविधान बचाओ, आइन बचाओ, हिंदुस्तान बचाओ, बोले और संविधान बचाओ, देश बचाओ, हिंदुस्तान बचाओ और इसके अलावा कुछ नहीं। हम लोग एकता चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, एनआरसी के खिलाफ, ये खामोश जुलूस है, शांतिपूर्ण जुलूस है। इसके अलावा हम लोगों ने जो कुछ आठ आदमी है मोहब्बत का पैगाम हम लोग दे रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान मोहब्बत के साथ दे रहे हैं, हम लोग अपनी जिंदगी दे रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल करके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। एनआरसी वापस होनी चाहिए और सीएबी को तुरंत अभिलंब जो है वापस हो केंद्र सरकार, जब तक उसके लिए आंदोलन करते रहेंगे। मुजफ्फरपुर जिला के मायूटी के लोग और साथ में भीम आर्मी के लोग और हमारे वतन परस्त जो दोस्त है, भाई है, हमारे हिंदू भाई है, जो सेकुलर है, सांप्रदायिक नहीं है, वो भी इस जुलूस में शामिल है। ये जुलूस इस्लामपुर बैंक रोड से निकल करके धर्मशाला होते हुए, तिलक मैदान होते हुए, सरैयागंज टावर होते हुए, कंपनी बाग होते हुए समाहरणालय परिसर में आया है। ये लाखों का जो मजमा है, ये दिखाता है, साबित करता है कि जो भारत का शहरी है, अमन पसंद लोग है, एनआरसी को कभी कबूल नहीं करेगा, कैब को कभी कबूल नहीं करेगा। हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय को आवेदन देने जा रहे हैं, ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि हमारा ये आवेदन आप रिकमेंड करें और राष्ट्रपति महोदय को भी देने का काम करिए कि इसको हम लोग किसी भी हाल में मंजूर नहीं करेंगे। हम लोग का ये मांग है
कि कैब को एनआरसी को किसी भी हाल में केंद्र सरकार वापस ले, उसके लिए हम लोग जो है आज ये एक जुलूस की शक्ल में लाखों की तादाद में आज यहाँ मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। उसी के संदर्भ में हम लोग, मेरा नाम इरफान अहमद दिलकश है, मैं मुजफ्फरपुर जिला जनता दल यू अखिलेती सेल का सदर हूँ।